हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता और सरिता कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए देख लेते हैं स्नैक्स बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। मैंने एक कटोरी मैंने सूजी लिया है, एक कटोरी करीब मैंने पोहा लिया है, एक चॉप किया हुआ प्याज लिया है, धनिया पत्ती लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच मैंने दही लिया है, 4 उबले हुए आलू लिए हैं, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, मिर्ची पाउडर लिया है, जीरा पाउडर लिया है, हल्दी लिया है और कटे हुए मैंने मिर्च लिए हैं। आप लाल मिर्च के यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सूजी को दही डालकर फेंट लेती हूँ। हमारा दही सूजी जब तक फूलेगा तब तक मैं इसमें थोड़ा सा मैं पानी इसमें मिला दे रही हूँ। सूजी को मैंने दही में फेंट दिया है और इसे मैं फूलने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दे रही हूँ। तब तक मैं पोहे को धोकर इसे छान लेती हूँ। इसे पानी से अच्छे से मैं वॉश कर दूंगी। पोहे को वॉश करने के बाद मैं इसे छान लेती हूँ। पोहे को मैंने धो दिया है और ये पूरा नरम हो गया है। इसे मैं मिक्सी में पीस कर इसका मैं पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। इसे एकदम गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे, पतला इसे नहीं करेंगे, वरना सूजी को मैंने पहले से फेंट कर रखा था, ये गीला हो जाएगा ज़्यादा। मैंने पोहे का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब देख लेते हैं कि सूजी हमारी फूल के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें पोहे को डाल दूंगी। अब आलू को मैंने मैश करके रख लिया है, आलू को भी डाल दूंगी। इसमें 1 चम्मच के लगभग मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। चॉप किया हुआ प्याज डाल दूंगी। और जो मसाले मैंने लिए थे मैं सारे मसालों को इसमें डाल दूंगी। नमक स्वाद अनुसार डालूंगी। धनिया पत्ती को डाल दूंगी और इसे मैं मिला लूंगी। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसे सभी को ये स्नैक्स सभी को बहुत ही पसंद आता है। मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसकी मैं छोटी छोटी टिक्की बनाऊंगी। आपको मैं टिक्की बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे इसकी टिक्की बनानी है। इस तरीके से हाथों से दबाकर इसके बीच में ऐसे छेद कर लेंगे। मैं एक और टिक्की आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरीके से हम सारी टिक्की को बना लेंगे। आप इसे लंबा आकार भी दे सकते हैं। मैं आपको लंबा बना इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगता है। हम इसे जैसा चाहे वैसा आकार देकर बना देंगे। ये मैंने सारे स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लिया। इसे मैंने बड़े का आकार दिया है। अब इसे मैं फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। तेल हमारा गर्म हो गया है कि नहीं इसे चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा मसाला डालकर देखती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सारे जो बड़ा मैंने बनाया था उसे मैं डाल दूंगी। सारे बड़ों को एक एक करके इसमें डाल दूंगी। मैंने सारे बड़े को इसमें बनाकर डाल दिया है और ये इसका कलर जब तक गोल्डन होगा तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनता है।
जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे सब सब ये सभी को बहुत ही पसंद आता है। ये हमारे सारे बड़े तलकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। सारे बड़े मैंने तल लिए हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, कि देखने में जितना ही अच्छा दिख रहा है उतना ही क्रिस्पी और क्रंची हुआ है। इस मिक्सचर का मैं दूसरे तरीके से इसे लंबा लंबा आकार देकर बनाऊंगी। आप इसे दो तरीके से बनाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं वो बहुत ही आसानी से घर में सभी के घर में रहते हैं। मैं इसे भी उसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक तल लूंगी। देखिए हमारा लंबे आकार का जो मैंने इसमें डाला था वो भी, ये हमारा स्नैक्स जो लंबे आकार का मैंने बनाया था ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे भी निकाल कर प्लेट में इसे निकाल देती हूँ। स्नैक्स हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैं इसे प्लेट में सजा कर आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। इसे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ऊपर से कितना क्रंची हुआ है, अंदर से कितना सॉफ्ट हुआ है। मैंने जिस प्रोसेस से आपको बताया है अगर उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका भी आलू और सूजी का स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे हरी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, इमली की चटनी के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए हमारा बड़ा बनकर कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसका कलर उतना बहुत ही सुंदर आया है। देखने में जितना ही सुंदर है खाने में उतना ही क्रिस्पी है और टेस्टी है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, कि मैं आपके साथ और भी नई नई रेसिपी शेयर कर सकूँ।